अक्सर लोगों को जंगल में ट्रेनिंग करना बहुत पसंद होता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे जंगल से अवगत कराने जा रहे हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जी हां, हम किसी और के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े जंगल अमेज़न की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है, यहां बड़ी संख्या में सैलानी एडवेंचर करने और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। इस जंगल का दूसरा पहलू यहां रहने वाले जानलेवा जीव हैं, जिस कारण ढेरों सैलानी यहां से डरावनी यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। यहां आपकी हल्की सी चूक खतरनाक साबित हो सकती है। ये जंगल भले ही देखने में बहुत शांत और सुहाना लगे, पर अमेज़न जंगल में कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत डरावने और खतरनाक हैं। इतने खतरनाक कि पलक झपकते ही किसी की भी जान लेने की क्षमता रखते हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो अमेज़न जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। ग्रीन एनाकोंडा। हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा तो आप में से अधिकतर लोगों ने देखी ही होगी। उसमें दिखाया गया है कि कैसे अमेज़न के जंगलों में बड़े बड़े सांप घूमते हैं। हालांकि हकीकत में फिल्मों में दिखाए गए एनाकोंडा सांप इतने बड़े नहीं होते, लेकिन इनका आकार अपने आप में काफी बड़ा होता है। आपको बता दें कि ये 22 फीट लंबे होते हैं और इन्हें साउथ अमेरिका में सबसे लंबे और भारी भरकम होने के लिए जाना जाता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि इनके चंगुल में अगर आप एक बार फंस गए तो बचना नामुमकिन है। यह एनाकोंडा अपने शिकार को अपनी गिरफ्त में लेकर धीरे धीरे मार डालता है। ये ज्यादातर धीमी गति से बहने वाले नदियों और दलदलों में पनपते हैं। यही कारण है कि ये जानवर अमेज़न के जंगल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी सबसे खास विशेषताएं ये हैं कि इसकी आंखें मगरमच्छ की तरह सिर पर होती हैं, जिससे ये पानी के अंदर छुपकर पानी के बाहर जो जानवर होते हैं उन पर ध्यान रख सकता है और सही मौका देखते ही उन पर बिजली की रफ्तार से झपट पड़ता है। ये अधिकतर चीता, मछली, हिरण और पक्षियों को अपना भोजन बनाते हैं। जायंट ऑटर। दोस्तों, मासूम से दिखने वाले इस ऊद बिलाव की सूरत पर मत जाइए, क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी ये भूल आपकी जान लेने का कारण बन सकती है। जी हाँ, ये आमतौर से देखे जाने वाले ऑटर से कई बड़े होते हैं। ये 6 फीट तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 32 किलोग्राम तक होता है। ये काफी सोशल एनिमल हैं और एक दूसरे को पहचानने की इनके पास काबिलियत है जो इन्हें कुदरती तौर पर मिली है। जायंट ऑटर हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं, जिनमें 2 से 20 ऊद बिलाव शामिल होते हैं। दोस्तों, इतने बड़े होने के बावजूद इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी फुर्ती है, जिसके जरिए ये अमेज़न नदी में मौजूद किसी भी मछली या बड़े सांप को अपना निवाला बना लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। इनका मनुष्य पर हमला करना दुर्लभ है। साथ ही आपको बता दें कि इनकी बाइट फोर्स जर्मन शेफर्ड डॉग की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश आज के समय में ये विलुप्त होने की कगार पर है। बुल शार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क तो समुद्र में रहने वाली मछली है, फिर इसका यहाँ क्या काम? तो मैं आपको बता दूं कि बुल शार्क बाकी शार्क की प्रजाति से सबसे भिन्न है। ये शार्क खारे और साफ पानी दोनों में जिंदा रह सकती है। ये 11 फीट लंबी और इनका वजन तकरीबन 300 किलो से ज्यादा होता है। ये सिर्फ अमेज़न की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क की सूची में शामिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये उन चुनिंदा शार्क में से एक है जो भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाती है, जिसकी ट्रेनिंग इन्हें अपने माँ के पेट में रहते समय ही मिल जाती है। की क्रूरता सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये बुल शार्क अपने रास्ते में आने वाले हर जीव का शिकार करती है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए इन्हें डेयर डेविल्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ईल्स। दोस्तों, अगर आप अमेज़न जंगल में जाने की सोचते हैं तो आपको बता दूं कि आपकी मुलाकात एक ऐसे जानवर से हो सकती है जिसे यदि आप चलती फिरती बिजली कहेंगे तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह व्हेलफिश अपने विशालकाय शरीर के कारण बेहद चर्चा में रहती है, ठीक उसी प्रकार ये मछली भी अपने एक विशेष खूबी के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। अमेज़न रिवर की गहराई में पाए जाने वाली इस इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई 2 से 3 मीटर और वजन 44 पाउंड तक होता है। सांप जैसे दिखाई देने वाली ये मछली नाइफिश परिवार से बिलोंग करती है। इन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक टाइम पर तकरीबन 600 वोल्ट का करंट मार सकती है, जो साधारण इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। दोस्तों, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जो शिकार करने और शिकारी से बचने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है, इसलिए इन्हें अमेज़न रिवर में दूसरे जीवों से कोई खतरा नहीं होता। वैम्पायर फिश यानी पायरा। दोस्तों, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी खतरनाक मछली होगी। पायरा नाम से मशहूर ये मछली अपने जबड़े के निचले हिस्से में मौजूद 2 नुकीले और लंबे दांतों के कारण बहुत डरावनी दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसे वैम्पायर फिश नाम दिया गया। आपको बता दें कि अमेज़न रिवर में पाए जाने वाली ये मछली 3 फीट लंबी और वजन में लगभग 18 से 20 किलोग्राम तक होती है, जो नाश्ते में पिराना जैसी खतरनाक मछलियों को अपना भोजन बनाती है। हालांकि अब तक इसका सामना किसी इंसान से नहीं हुआ, पर इसका डरावना लुक देखकर लगता है कि इंसानों को इससे दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। जैगुआर।
दोस्तों, अब तक तो आपने सिर्फ अमेज़न रिवर में रहने वाले खतरनाक जानवरों के बारे में जाना, लेकिन अब जरा जमीन पर रहने वाले इस खूनी जानवर से मिल लीजिए। ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक है, लेकिन अगर ये भड़क जाए तो ये अमेज़न का शेर बन जाता है। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इस जैगुआर का वजन 100 से 250 किलोग्राम के बीच होता है। यह अपने शिकारी का सिर एक बार में ही क्रश कर देता है और उसे मारने के बाद उसे पेड़ के ऊपर ले जाता है, जिससे कि दूसरा कोई जानवर उसके शिकार पर अपना हाथ न साफ कर सके। हैरानी की बात तो यह है कि यह पानी में भी बहुत अच्छे से तैर लेता है, जिस वजह से यह मछली, मगरमच्छ और मेंढक तक को आसानी से अपना शिकार बना लेता है। ये बात अलग है कि यह जल्दी इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन इनकी क्रूरता को देखकर ऐसा लगता है कि इनसे छेड़खानी करने पर ये इंसानों को भी नहीं बख्शेंगे। हालांकि ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर दोस्तों इनकी तादाद दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, क्या आप यही सोच रहे हैं कि बारिश के मौसम में खुशी से झूम उठने वाले ये मासूम सा मेंढक भला क्यों इतना खतरनाक जानवर की लिस्ट में शामिल है? यदि हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि रंग बिरंगी खाल वाले ये छोटे से मेंढक देखने में बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन उनके अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यही वजह है कि इनके नाम के आगे पॉइजन लगता है। ये मेंढक अमेज़न में आमतौर पर दिखाई दे जाते हैं और ये अपने तरह तरह के रंग के लिए जाने जाते हैं, जो इनके लिए पेड़ पौधों में छुपने के लिए मददगार साबित होते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। आमतौर पर ये मेंढक करीब 1 इंच लंबे और 30 से 35 ग्राम वजन के ही होते हैं, जिनका जहर अगर भूल से भी इंसान के शरीर में चला जाए तो वो जहर इंसान के नर्वस सिस्टम को रोक देता है, जिस कारण धीरे धीरे दिल धड़कना कम हो जाता है। इसलिए इन्हें दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों की श्रेणी में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदिवासी लोग इस मेंढक के जहर को अपने तीर पर लगाकर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि जल्द ही इनके जहर से कोई दवाइयां बनाई जा सकेंगी। बुलेट एंट्स। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाथी, शेर और चीता जैसे जानवर से डरना तो आम बात है, लेकिन अभी हम जिस जीव की बात करने वाले हैं, वो दिखने में जितना छोटा है इंसानों के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, जिसके काटने से इंसान को एक गोली लगने जितना दर्द सहना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जंतु कोई और नहीं बल्कि एक चींटी है। जी हाँ, इसलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसलिए इसे आप साधारण चींटी समझने की तो बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाली इस चींटी का डंक किसी भी डंक मारने वाले कीड़े से कई गुना दर्दनाक होता है। इसका असर करीब 24 घंटे तक बना रहता है। इतना ही नहीं, ये एक विशालकाय हाथी के नाक में दम करने की क्षमता रखता है। हाथी जैसा जानवर भी इसके सामने अपने घुटने टेक देता है। इसके बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये चींटी अपना जहां भी घोंसला बनाती है वहां से बहुत बदबू आती है। हालांकि वैज्ञानिकों का इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। साथ ही रोचक बात यह है कि आदिवासी लोग अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए एक थैले में इन चींटियों को भर लेते हैं, फिर उनमें 10 मिनट तक अपने हाथों को डाल के रखते हैं और इन चींटियों से कटवाते हैं। ब्लैक कैमान। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है मगरमच्छ प्रजाति का ब्लैक कैमान, जिसे हम मगरमच्छ की दुनिया में राजा का ओहदा दें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये काफी खतरनाक और मांसाहारी जीव है जो बाकी मगरमच्छ की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इनमें मेल कैमान की लंबाई लगभग 7 से 14 फीट और फीमेल कैमान की लंबाई 16 से 17 फीट होती है। दोस्तों, इसका वजन करीब 600 से 800 पाउंड होता है। ये अपने शिकारी को एक ही बार में पूरा निगल जाता है, और अगर शिकार बड़ा हो तो उसे ये 200 में बांट कर अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ जमीन और पानी दोनों जगह जीवित रह सकते हैं, इसलिए ये ज्यादातर छोटे स्तनधारी जानवरों और मछलियों का शिकार करते हैं, और बड़े जानवरों में ये हिरण और सुअर का शिकार करता है। कई बार तो मेल कैमन और एनाकोंडा के बीच भीषण लड़ाई भी देखी गई है। इसका रंग मिट्टी के रंग जैसा होने की वजह से शिकार को इसकी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं होता, और वो खुद मौत के मुंह में चला आता है। और क्या आपको पता है, इसकी चमड़ी इंसानों के कपड़े और लेदर बनाने का काम आती है, और यही कारण है कि मनुष्य इनका जमकर शिकार करते हैं। हार्पी ईगल। दोस्तों, क्या आपने कभी अमेज़न जंगल में राक्षस कहे जाने वाले इस पक्षी को देखा है? यदि नहीं तो अब देख लीजिए। ये दिखने में काफी डरावना और बड़ा है, जिसे नजदीक से देखने पर सामने वाले के होश उड़ जाएंगे। इस पक्षी का नाम हार्पी ईगल है, जिसे किंग ऑफ स्काई कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में ये दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी कहलाता है, जिसकी देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके पंख 7 से 10 फीट तक बड़े हो सकते हैं, जो उसे ऊंची उड़ान भरने में काफी सहायता करते हैं, और इसका वजन करीब 200 पाउंड यानी 9 किलोग्राम तक होता है। इतने बड़े होने के बावजूद खतरा महसूस होने पर ये 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इनके पंजे की अगर बात करें, इनके पंजे भी इनके विशालकाय आकार जितने ही बड़े होते हैं। इनका साइज करीब 3 से 4 इंच होता है,
जो एक भालू के पंजों से भी बड़ा होता है। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बड़े बंदर या इंसान के बच्चे को पंजे में उठाकर उड़ने की क्षमता रखता है। एक बार इसके पंजे में फंसने के बाद किसी भी जीव का निकल पाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, आमतौर पर ये पक्षी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इन्हें गुस्सा दिलाने पर ये इंसानों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। अगर आपको याद होगा तो आपने हैरी पॉटर में जरूर इसके जैसे बड़े पक्षी को देखा होगा, जिसे बनाने की प्रेरणा इसी ईगल से मिली थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे खतरनाक जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।